तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इस टाइप का कमाल का फोटो एडिटिंग। गाइस, आपको भी करना है इस टाइप का मॉम डांस टेक्स पीएनजी का फोटो एडिटिंग, तो वीडियो गाइस आपको एंड तक देखना होगा। वीडियो काफी मेहनत से बनाया, वीडियो पसंद आए तो प्लीज सारे एक लाइक करके जाना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए गाइस, वीडियो कर लेते स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करके। सबसे पहले गाइस, अपने ओरिजिनल फोटो को आपको शेयर कर देना है फोटो रूम ऐप के अंदर। इस वाले ऐप का मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। तो यहाँ से देख सकते हो, हमने फोटो को शेयर कर लिया। फोटो का थोड़ा स्कैन होने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। देख सकते हो इसका बैकग्राउंड जो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। ऊपर एक कॉर्नर में एक ऑप्शन आपको दीजिएगा टेम्पलेट, यहाँ पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। ठीक है, तो गाइस देख सकते हो इसका बैकग्राउंड जो इजिली से तरीके से रिमूव हो गया। ठीक है, अब इस फोटो को आप कैसे सेव कर सकते हो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ऊपर गाइस एक कॉर्नर में एक ऑप्शन आपको दिख जाएंगे थ्री डॉट, शेयर वाले ऑप्शन पर इजिली आपको क्लिक कर देना। नीचे एक ऑप्शन आपको खुल जाएंगे, देख सकते हो सेव टू गैलरी, यहाँ पर आपको सिंपली से क्लिक कर देना। तो गाइस देख सकते हो हमारा फोटो शेयर मतलब गैलरी पर सेव हो गया। तो यहाँ से देख सकते हो अपने फोन से पिक्सआर्ट आपको ओपन करने के बाद इस वाले बैकग्राउंड को भी आपको डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ठीक है, टूल ऑप्शन पर क्लिक करके अभी आपको क्या है बैकग्राउंड को थोड़ा से आपको क्रॉप कर लेना है। तो यहाँ से गाइस फोटो को क्रॉप करने के बाद दोबारा से आपको टूल ऑप्शन पर क्लिक करके आपको रिसाइज पर क्लिक करना है। अभी साइज को आपको मैक्सिमम साइज पर कर लेना है, जैसे भी एडिटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ से गाइस देख सकते हो साइज जितना आपको नीचे दिखा रहा है वही साइज आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो साइज को सिलेक्ट करने के बाद नीचे एक ऐड फोटो का ऑप्शन आपको दी जाएंगे। ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद कुछ फोटो को आपको ऐड कर लेना है, और आपने जो फोटो रूम से बैकग्राउंड को रिमूव किया था वो वाले फोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और कुछ पीएनजी को मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से गाइस दो पीएनजी और अपने जो फोटो मैंने शेयर कर लिया मतलब ऐड कर लिया। ठीक है, आपको क्या ये वाले फोटो को नीचे के साइड ऐसे आपको थोड़ा एडजस्ट करके लगा देना है, और आपको इरेजर वाले ब्रश को सिलेक्ट करके अपना जो फोटो रूम का लोगो था उसको गाइस ऐसे इरेज कर देना। ठीक है, तो गाइस इतना करने के बाद अपने फोटो को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना। ये वाले देख सकते हो ये वाले पीएनजी को नीचे के साइड आपको ऐसे लगा देना है कुछ इस टाइप से। तो इतना करने के बाद देख सकते हो ये वाले फ्लावर पीएनजी का आप देख जाएंगे नीचे, आपको ऊपर एक क्लिक करके लेयर ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आपको मूव अप कर देना। ठीक है, देख सकते हो लेयर ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी गाइस एक और डुप्लीकेट निकाल के इस साइड आपको ऐसे लगा देना। ठीक है, तो गाइस इतना करने के बाद अपने जो नीचे का एक पीएनजी हमने ऐड किया तो उसके कलर को थोड़ा चेंज करेंगे। तो कलर को चेंज कर लिए उस वाले पीएनजी को ऐसे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, नीचे एक ऑप्शन आपको दीजिएगा एडजस्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आपको ह्यू पर क्लिक कर देना। ठीक है, देख सकते हो ह्यू पर क्लिक करके इस कलर का जो ऑटोमेटिकली चेंज हो कर सकते हो आप। ठीक है, इसका आपको येलो कलर ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से गाइस अपने येलो कलर को सिलेक्ट करने के बाद अपने फोटो को ऐसे राइट कर देना। ठीक है, तो गाइस देख सकते हो दोबारा से अपने फोटो को यहाँ पर आपको राइट कर देना है। यहाँ से देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ मैंने ऐड कर लिया। दोबारा से गाइस आपको ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद कुछ पीएनजी को मैं ऐड कर लूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस दो पीएनजी हमने ऐड कर लिया है। तो गाइस देख सकते हो ये वाले पीएनजी को ऊपर के साइड ऐसे आपको लगा देना अपने उंगली के ऊपर। ठीक है, ऐसे आपको लगा देना। नीचे एक ऑप्शन आपको दिखेंगे बॉर्डर, इस पर क्लिक करके इसकी बॉर्डर को थोड़ा आपको इंक्रीज कर लेना व्हाइट कलर को ऐसे सिलेक्ट करके। ठीक है, और ऊपर के साइड आपको ऐसे लगा देना। ठीक है, देख सकते हो फोटो का इस वाले पीएनजी का हाईलाइट भी थोड़ा और लगेगा। फिर से गाइस आपको बॉर्डर पर क्लिक करके इसकी बॉर्डर को थोड़ा आपको इंक्रीज कर लेना 5-6 पर आप रख सकते हो। ठीक है, ऐसे गाइस अपने फोटो को ऐसे राइट कर देना। ठीक है, देख सकते हो ऊपर के साइड आपको ऐसे लगा देना है कुछ इस टाइप से। तो गाइस देख सकते हो एक और टेक्स पीएनजी मॉब डैंड का जो टेक्स पीएनजी अपने हाथों के ऊपर ऐसे आपको लगा देना है। देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से मैं कर रहा हूँ, आपको भी थोड़ा टाइम देकर अच्छे तरीके से ऐसे आपको लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो हमने पीएनजी ऐड कर लिया। दोबारा से अपने फोटो को राइट करके फिर से गाइस आपको ऐड फोटो पर क्लिक करके फिर से गाइस दो पीएनजी को मैं ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस दो पीएनजी हमने ऐड कर लिया। नीचे एक ऑप्शन आपको दिख जाएंगे ब्लेंड का ऑप्शन, इस पर आपको सिंपली से क्लिक करके आपको नॉर्मल से कर देना है स्क्रीन। ठीक है, इसको भी गाइस सेम प्रोसेस ब्लेंड ऑप्शन पर क्लिक करके इसको भी आपको स्क्रीन कर देना है।
तो यहाँ से गाइस आपको लेयर ऑप्शन ऊपर दिख जाएंगे, लेयर ऑप्शन पर क्लिक करके इसके तीन आपको डुप्लीकेट निकाल लेना है। सेम प्रोसेस से इसको भी गाइस आपको तीन डुप्लीकेट निकाल लेना है, ठीक है। इसको गाइस आपको अच्छे तरीके से ये वाले पीएनजी को राइट साइड लेफ्ट साइड अच्छे तरीके से ऐसे आपको एडजस्ट करके एक एक करके ऐड कर लेना, ठीक है। थोड़ा गाइस आपको टाइम देना पड़ेगा, मतलब इस एडिटिंग में थोड़ा टाइम आप नहीं देंगे तो आपका जो फोटो है वो अच्छे तरीके से एडिटिंग नहीं होगा। तो प्लीज़ यार थोड़ा टाइम देकर आपका एडिटिंग करो, फोटो काफ़ी बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने पीएनजी दोबारा से गाइस अपने ऐड कर लिया, कितना कॉसम लग रहा है मेरा जो फोटो है, ठीक है। फिर से गाइस आपको ऐड फोटो पर क्लिक करके एक लाइट पीएनजी को मैं ऐड कर लूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे एक ऑप्शन आपको दिख जाएंगे ब्लेंड का ऑप्शन, इसको गाइस ऐसे स्क्रीन कर देना। ये जो लाइट पीएनजी आपको देख रहे हो इस साइड आपको ऐसे लगा देना, ठीक है। तो गाइस लाइट पीएनजी को ऐड करने के बाद दोबारा से गाइस अपने फोटो को यहाँ से राइट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे काफी सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। दोबारा से गाइस आपको टूल ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको नीचे एक ऑप्शन आपको दिख जाएंगे एडजस्ट का ऑप्शन, यहाँ से आपको सिंपली से क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हो इसके कलर को थोड़ा आपको एडजस्ट कर लेना है अपने फोटो के हिसाब से, ब्राइटनेस को गाइस थोड़ा इंक्रीज करके, कंटेस्ट को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, क्लैरिटी को भी थोड़ा इंक्रीज करके, यू का ऐसे को ऐसे रख देना, आपको हाईलाइट को इंक्रीज कर लेना है, सॉरी हाईलाइट को थोड़ा सा माइनस कर देना, ठीक है। यहाँ से गाइस अपने फोटो को राइट कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा फोटो एडिटिंग फाइनली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपके आपको नीचे एक ऑप्शन आपको दिख जाएंगे ड्रॉ ऑप्शन, यहाँ से आपको सिंपली से क्लिक करके ऊपर गाइस एक ऑप्शन आपको दिख जाएंगे थ्री डॉट, यहाँ से आपको सेव कर लेना। उसके बाद गाइस अभी इस फोटो को शेयर कर लेंगे लाइटरूम ऐप के अंदर, ठीक है। आप इजिली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन होने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपको ऑल फोटो पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो फोटो हमने पहले से ऐड करके रखा है, सॉरी मैंने प्रीसेट हमने पहले से ऐड करके रखा है। ये बोले प्रीसेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, वहाँ से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से गाइस आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके नीचे ऑप्शन आपको दे देंगे कॉपी सेटिंग का ऑप्शन आपको दे रहे हैं, यहाँ से आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। तो इतना करने के बाद गाइस अपने फोटो को ऐसे राइट कर देना है, अपने जो ओरिजिनल जो एडिट किया फोटो था उस पर आपको सिंपली से आ जाना है। ऊपर गाइस एक ऑप्शन आपको दी जाएगा थ्री डॉट, यहाँ से आपको क्लिक करके आपको कर देना है पेस्ट सेटिंग। तो गाइस इतना करने के बाद देख सकते हो हमारा फोटो का कलर रिटचिंग वन क्लिक के अंदर हो जाएगा। देख सकते हो गाइस फोटो का बिफोर आफ्टर कितना कमाल का लग रहा है, आप भी कर सकते हो वन क्लिक के अंदर कुछ इस टाइप का सेम फोटो एडिटिंग। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस कितना ऑसम तरीके से आप भी कर सकते हो वन क्लिक के अंदर ऐसा फोटो एडिटिंग। तो यहाँ से गाइस अब मैं फोटो को आप कैसे सेव कर सकते हो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ऊपर एक कॉर्नर में ऑप्शन आपको दीजिए शेयर वाले ऑप्शन, इस पर क्लिक करके नीचे एक ऑप्शन खुल जाएंगे एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ से आपको सिंपली से क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको डीएनजी से कर लेना जेपीजी, ठीक है। यहाँ से गाइस अपने फोटो को राइट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो फोटो है गैलरी पर सेव हो गया, ठीक है। सो गाइस आपको एडिटिंग गाइस अच्छा लगे तो प्लीज़ यार एक लाइक करके जाना, थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एक कमेंट बता के जाना, कमेंट में बता के जाना कैसा एडिटिंग लगा। आज के लिए इतना है गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।